मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। या तो इस शादी को खत्म कर दो या फिर इसको निभाओ। सलमान ने आखिर तुम्हारे लिए इतना एहतमाम किया है, डिनर करके जाना हो। क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं कर रही हूँ और जो तमाशा तुम कर रहे हो। एनी, मम्मी आप कब आई? जब तुम अपनी सोचों में गुम थी, बस ऐसे ही। बेटा मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से तुम परेशान रहने लगी हो। माँ को नहीं बताओगी? नहीं अम्मी, वो ऑफिस में काम ज्यादा है बस इसीलिए। अच्छा, तुमने अपनी माँ से कब से ये बातें छुपानी शुरू कर दी? ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। जो भी है, लेकिन मैं एक बात तुमसे कहना चाहती थी कि कहें बेटा, काम चाहे जितना भी हो, लेकिन सबसे पहले अपने घर को, अपने शौहर और अपनी बच्ची को टाइम दो, ये ज्यादा जरूरी है। क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल सकूं, लेकिन ऑफिस में काम ही इतना ज्यादा होता है अम्मी। और मैं इसलिए बेफिक्र हो जाती हूँ कि आप तो हैं ना घर पे। बेटा मैं तो हूँ ही, लेकिन तुम्हारी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। बेशक अदनान तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन उसका अकेलापन मुझे दिखाई देता है। अदनान ही नहीं चाहते कि मैं नौकरी छोड़ूं। मेरे बस में हो तो मैं आज ही नौकरी छोड़ दूंगी। लेकिन बेटा ये कोई मसले का हल तो नहीं है। अम्मी आपको तो पता है हमारे घर के अखराजात कितने हैं। अगर हम दोनों काम ना करें तो घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। सही बेटा, मैंने तुम्हें अकेले पाला है, खर्चे तो उस वक्त भी बहुत होते थे, लेकिन मैंने तुम पे कभी काम को फौकियत नहीं दी। मैं जानती हूँ अम्मी। तो फिर अच्छा ठीक है अम्मी, मैं कोशिश करूंगी कि घर को टाइम दे सकूं और आपको शिकायत का मौका ना मिले। चलो बहुत अच्छा, आप जल्दी से आ जाओ, अदनान और निमरा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप चले, मैं आ रही हूँ। मैं आपको कैसे बताऊं अम्मी, मैं ऐसे दोराहे पे खड़ी हूँ जहाँ पीछे कुआं है और आगे खाई। अगर नौकरी छोड़ती हूँ तो घरेलू अखराजात और अदनान की नाराजगी, और अगर नौकरी करती हूँ तो सलमान साहब, उनकी आंखें पता नहीं क्या क्या कहती रहती। क्या करूं? एनी आ रही हूं। ये लो बेटा। सलमान, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देना। अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर हुए? मेरे इन पैसे दरख्तों पे नहीं लगते कि मैं तोड़ तोड़ के तुम्हारी डिमांड्स पूरी करता रहूं। और जो अय्याशियां तुम करते फिर रहे हो वो? बेटे आप अपने कमरे में जाएं। इसको क्यों भेज रहे हो? आखिर इसको भी तो पता होना चाहिए ना कि इसके बाप के क्या करतूत हैं। इसे जाने दो कि हमारा मामला हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। हम डिस्कस नहीं करेंगे। रिमशा सुनेगी कि उसका बाप क्या गुलछर्रे उड़ाता फिर रहा है। नहीं बेटे आप जाएं प्लीज। मेहरीन तुम हद से बढ़ रही हो। क्या हद हद की रट लगा रखी है तुमने? तुम अपनी सारी हदें तोड़ते जाओ और मुझसे कहते हो कि मैं अपनी हद पार कर रही हूं।
मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। हाँ हाँ, अब तुम मेरे मुंह क्यों लगोगे? अब तुम्हें कोई और जो मिल गई है। नहीं। बस मत समझना सलमान कि मैं उन औरतों में से हूं जो शोहरों से मार खाती हैं और सोफों के पीछे घुस के रोती हैं। याद रखो, तुम आज इस स्टेटस पर हो ना सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो। जिस दिन मैं चाहूं मैं तुमसे ये स्टेटस छीन भी सकती हूं और तुम्हें दरबदर भी कर सकती हूं। मेरी तुम यहां से चली जाओ, वरनाश मैं वो करूंगा तुम्हारे साथ, तुम याद रखोगी सारी जिंदगी। क्या क्या कर दोगे तुम? मैं भी तो देखूं कि आखिर सलमान साहब ऐसा क्या कर सकते हैं। ऐनी परेशान क्यों है? कहीं मेहरीन की बातों से तो परेशान नहीं? मुझे क्या करना चाहिए? उसे बुलाकर उसे माफी मांगनी चाहिए मुझे। अदनान को जैसा भी लगे अब मैं ये नौकरी नहीं कर सकती, ये तो हरी जिंदगी नहीं जी सकती मैं। मुझे सलमान साहब से बात करनी होगी। मिस ऐनी को जरा मेरे ऑफिस में भेजिए। मैडम, सर सलमान आपको बुला रहे हैं। ओके जी। अदनान बड़ी देर कर दी आने में। क्या यार, मेरा तो आने को दिल ही नहीं कर रहा था आज ऑफिस। क्यों, क्या हुआ? यार मौसम देखा है, पर हम लोग ये लैपटॉप ये फाइलें और कुछ भी नहीं है यार, तंग आ गया हूँ मैं। ऐसे कह दो तू ठीक रहा है। मौसम वाकई में बहुत ही कमाल है आज, मेरा भी काम करने को दिल नहीं कर रहा वैसे। अच्छा वैसे मुझे याद है कि मैंने उस रात भाभी को और सलमान साहब को होटल में देखा था, पता नहीं तेरे से जिक्र किया नहीं किया उन्होंने। हाँ मेरा ख्याल है बताया था। वैसे खैरियत थी इतनी रात को सलमान साहब के साथ? कुछ नहीं यार, वो बॉस ने उसे बच्चे के डिनर के लिए बुलाया था। अच्छा, लेकिन उस दिन तो ऑफिस के सारे स्टाफ के साथ केक काट लिया था ना, बाद में डिनर पे जाने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे क्या पता यार, ये तो बॉस को ही पता होगा। तुझे पता होना चाहिए अदनान, भाभी तेरी बीवी है, डोंट फॉरगेट। जानता हूँ यार तू क्या कहना चाह रहा, लेकिन मुझे एनी पे एतबार है। ये क्या एतबार, एतबार है कि रट लगाई हुई तूने अदनान।
इस तरह तो हकीकत से अपनी नजरें नहीं चुरा सकता मेरे दोस्त। कौन अलाउ करता है, कौन भेजता है अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ रात को इस तरह? क्या कह सकता हूं मैं? फिर तू मेरा दोस्त है, इस बात का फायदा मत उठा। दोस्त ना होता तो क्या? देख अदनान, मैं तेरा दोस्त हूं यार। मैं जो कह रहा हूं तेरे भले के लिए कह रहा हूं। आंखें खोल, होश कर, ये ना बहुत देर हो जाए। रफ इनफ, इसके बाद मैं क्लास भी नहीं सुनूंगा। अदनान, मेरी एक बात हमेशा याद रखी, ऊंचा उड़ने की चाहत में कभी इतना ऊंचा ना निकल जाए कि गिरते हुए जमीन मुयस्सर ना हो। बाकी तेरी जो मर्जी। सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, यानी मैंने आपसे एक बात करनी है। सर, मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा चलिए, आप कहिए। ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। यानी मेरी बात सुने। सर प्लीज, मैं जॉब छोड़ने का फैसला कर चुकी हूँ, अब प्लीज मुझे ना रोके। जानता हूँ आप मेरी की बातों से बदगुमान हुई। सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी की किसी भी बात से नाराज नहीं, और मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? क्या वजह है फिर? वो मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? वो क्यों नहीं बता सकती? देखिए यानी, ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन का मसला है। इस तरह अगर लोग छोड़ने लग जाएं तो लोग मार्केट में क्या कहेंगे हमारे बारे में? सर मैं यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करती। ये तो कोई बात ना हुई, रेजिग्नेशन के लिए आपके पास बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए। इस तरह मैं रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अदनान, यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर वो सलमान साहब से काम था तो मैं वेट कर रहा था। हो गया काम तुम्हारा? जी। तो फिर यहाँ खड़े वक्त क्यों जाया कर रहे हो? जाओ। जी। ओहो, रिमशा तो यहाँ बैठी हुई है। मेरी बेटी क्या कर रही है? कुछ नहीं मामा, बस बार्बी के बाल बना रही थी। बार्बी के बाल बहुत प्यारे, बिल्कुल मेरी डॉली जैसे। रिमशा, आप उस दिन उन आंटी से मिली थी जो बाबा से मिलने आई थी? जी मामा, मैं उनसे मिली थी। अच्छा, कैसी लगी आपको वो आंटी? मामा वो बहुत अच्छी थी, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो फिर से मुझे मिलने आएंगी। अच्छा, फिर तो
आपके बाबा भी बहुत खुश होंगे। जी मामा, बाबा भी बहुत खुश थे। मामा, मैं अपने कमरे में जाके खेलूं? हाँ हाँ, आप जाओ। मुझे नजर रखनी पड़ेगी। सलमान उस लड़की में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन मैं अपनी नाक तले ऐसा नहीं होने दूंगी। एक बार मैंने धोखा खाया है, इस बार नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? वो ऑफिस में पता नहीं क्या क्या करते होंगे। मैं तो यहां बैठी हूं, लेकिन मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरकर भी तो नहीं बैठ सकती। एनिया प्लीज जरा बैठे, मेरी बात सुने। एनिया, जानता हूं कि आप महरीन की बातों से डिस्टर्ब हुई है। महरीन है ही ऐसी, उसने सारी जिंदगी मुझ पर शक किया है। आज तक महरीन को मैं अपनी मोहब्बत का यकीन न दिला सका। कब ये मोहब्बत खत्म हुई ये मैं नहीं जानता। हमारे दरमियान अब सिर्फ फासले और शक रह गया और कुछ नहीं। आपको कैसे बताऊं कि मेरी जॉब छोड़ने की वजह वो नहीं जो आप सोच रहे हैं? आपको कैसे बताऊं कि मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि मैं शादीशुदा हूं? ऊपर से आपकी निगाह जो पता नहीं क्या क्या कहना चाहती है मुझसे। कहाँ खो गई यानी? कहीं नहीं सर। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सर मैं फैसला कर चुकी हूँ, आप प्लीज मुझे जाने दें। आपकी कंपनी को मुझसे ज्यादा अच्छे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। आपकी जॉब छोड़ के कैसे जा सकती है? आपके जाने से बहुत नुकसान होगा हमारी कंपनी को। प्लीज, कंपनी के लिए नहीं तो मेरे लिए रुक जाए। सर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको ऑफिस में या फैमिली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। आपको तो मैंने सब कुछ बता दिया अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, तो आप सब कुछ जान चुके हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं ना कि अपनी बीवी को टाइम दें जैसा वो चाहती हैं, उनसे प्यार करें। पुराने गिले शिकवे भूल के अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करें। आपका क्या ख्याल है? मैंने कोशिश नहीं की, अब तो मुझे हंसी आती है। मैं ज्यादा वक्त दूं अगर महरीन को तो शक करने लग जाती है कि मैं उसको इतना वक्त क्यों दे रहा हूं। वो समझती है कि शायद मैं उसको इस्तेमाल करूं या उससे कोई फायदा उठाना चाहता हूं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि आपकी लव मैरिज हुई थी। हाँ थी। लव मैरिज थी, लेकिन अब वो तस्वीरें सारी अलमारी में पड़ी हुई हैं। लेकिन सर मोहब्बत तो कभी खत्म नहीं होती। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन हमारे दरमियान ये जो स्टेटस का गैप है ये बढ़ता चला गया। हमारे डिफरेंसेस पैदा होने लग गए और अब ये हाल है, आपने तो देख ही लिया।
मेरा रेजिग्नेशन लेटर। ये क्या कर रही है? मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया और वो भी जाकर बॉस को सीधा बोल दिया। अब अगर बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा? क्या करूं मैं? फोन करूं? नहीं, अगर बॉस ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। एसएमएस करता हूं किधर क्या फोन। ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ मैं आपको? चाय पीते हैं। थैंक यू सर, लेकिन मुझे बहुत सारा काम है। क्या लेकिन वेकिन, क्या कहना चाह रही हो तुम? मैडम वो मीटिंग में है और उन्होंने सख्ती से मना किया कि उन्हें कोई फोन कॉल ना दी जाए। ये क्या कह रहे तू? सही कह रहा हूँ। क्या तूने भाभी को ऐसा करने के लिए कहा?